नमस्ते सर, आइए सर, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है सर। ओ मेरे बच्चों, मुझे पहचानो, मैं किस जगह से आया, मैं हूँ कौन और मैं करता क्या था। मैं पहले जेल में था लेकिन अब प्रिंसिपल हूँ। ये तो चोर निकला इन 2018, पता है तिहाड़ जेल के कॉलेज में दो गुटों में गोली चल गई। उन दोनों के पास नए नए हथियार थे, दूसरी तरफ दुनाली जो चली ठोक। सर क्या वो हथियार आपका? ऑफ कोर्स मेरा था। अंधे की आंख बटेर लगी। शट अप, मैंने सबको मार के भगा दिया। और क्योंकि इस कॉलेज में भी मारपीट चलती रहती है, इसीलिए मैं आया हूँ। अब ये नहीं हो पाएगा, अब यहाँ कोई हिंसा नहीं होगी, ओनली अहिंसा। माला पहनो, माला पहनो, माला पहनो। अरे ये क्या भूचाल आ गया, ये क्या हुआ? वो एमएलए का बेटा विक्की आ गया है सर। और दूसरी तरफ आ गए उनके दुश्मन गजेंद्र के भाई नागेंद्र और सुरेंद्र। ऐसा हर रोज होता है? रोज तो नहीं सर, पर हफ्ते में दो बार महायुद्ध होता ही है सर। ओह, अगर लड़ना उनकी आदत है तो इसे रोकना मेरी आदत है। ओहो, सुनो सभी लोग, साइलेंस। देखा तुमने, मेरी दहार सुनकर सभी चुप हो गए। सर ये आपकी दहाड़ सुनकर चुप नहीं हुए हैं। तो फिर उनकी एंट्री से चुप हुए हैं। किसकी एंट्री से? गजेंद्र के दो और भाई आ गए हैं, राजेंद्र है? और विजेंद्र। क्या? नमस्कार सर। सर माँ बाप हमें जन्म देते हैं, टीचर्स हमें गुण देते हैं, ऐसा हमारे पूजनीय भैया कहते हैं। हमारे भाइयों की वजह से जो आपको परेशानी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लीजिए सर ये ब्लैंक चेक, जो तोड़फोड़ मचाई है ना उसकी भरपाई के लिए सर। शाबाश, तुमने मेरा दिल बाग बाग कर दिया। आज पहली बार किसी की सादगी, भोलेपन और तहजीब ने मुझे खुश कर दिया। आई लाइक इट। ऐसे ही आते रहो, चेक देते रहो, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। बहनी तो बड़ी अच्छी रही। खुशी को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, जो देखा वो छोटा सा ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो आपने देखी नहीं है सर। ए, देखो ये चारों कैसे कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग रहे हैं। लगता है इनके खानदान में आज तक कोई मर्द पैदा नहीं हुआ। तुम चारों में से किसी के खून में कोई गर्मी नहीं है क्या? ए, इसने तुम पे हाथ उठाया था ना? रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम लोगों ने माफी मांगकर बड़ी इज्जत से मेरी बहनी करवाई थी, और अब मेरे पैरों पर बाइक चढ़ाकर मुझे पौना करना चाहते हो? मुझे वहाँ ले चलो, आपकी कुटाई हो जाएगी। तू घर बता, मार्केट के पीछे। घर में मत घुसिएगा, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सर वो देखिए गजेंद्र। नमस्कार भैया। अब आप सब खाने का मजा लीजिए। अरे सुरेंद्र जी भैया, इनको पनीर देना मत भूलना। ठीक है भैया। और हाँ, चावल और दाल मखनी जरूर देना, पेट भर के खाइएगा। आप सब हमारे खास मेहमान हैं, कोई गैर नहीं। कितना दयालु है। मैंने इसे शोषण करने वाला समझा था, ये तो पोषण कर रहा है। खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये लोग खाते खाते रो क्यों रहे हैं? बहुत तीखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर बात क्या है? वही तो ट्विस्ट है। सबने पेट भर के खाना खाया ना? हाँ भैया। चिंतामणि। हाँ भैया। जाओ जाकर गेट बंद करो। ठीक है भैया। अच्छा भैया, हम चलते हैं। Oh!
ये कैसे उदारता है भाई? पहले खाना खिलाता है फिर मारता है। यही तो इनका स्टाइल है। पेपर में भी वही खबरें होती हैं, मार काट पिटाई। गांधी जी के देश में ये हो क्या रहा? मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। आप क्या कर लेंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शिकायत लेके जाऊंगा। जरा अपने दीदे घुमाकर उधर देखिए, जो इस महासंग्राम को क्रिकेट मैच समझकर मजा ले रहा है वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। सिक्सर। वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं? सिर्फ दोस्त नहीं, लंगोटिया यार हैं। ए गज्जू, आज का मैच तो धांसू था, अगले मैच में भी मैं ही। अगले मैच में भी तू ही एम्पायर होगा, जा। थैंक यू ब्रो। भैया मैंने तो सिर्फ मार्केट से ज्यादा ब्याज पर लोगों को पैसा उधार दिया है, पर वो तो सब्जी बेचते वक्त लोगों को ठगता है, और वो ना जब भी उसे कोई लड़की दिखती है उसे छेड़ने लगता है। भैया यहाँ हर किसी ने कोई ना कोई कांड किया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भैया हमें कूटने से पहले भरपेट क्यों खिलाया? देख भाई मोटे, बात ऐसी है कि मेरा सामना करने के लिए बदन मजबूत होना चाहिए। जब पेट भरा होता है ना तो सहने की शक्ति आ जाती है, और अच्छा खाना खाने से मार का दर्द महसूस नहीं होता। अब तो तुम्हारा खाया हुआ खाना हजम हो चुका होगा, है ना चिंतामणि? हाँ भैया। इसे दोबारा खाना खिलाओ। मेरी भूख मर गई है। भागो, अरे भागो, 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 भागो। अरे भागो, भागो, फिर मारेगा, भागो। अगर किसी ने गरीबों का हक छीनने की कोशिश की तो याद रखना एक एक को शमशान पहुंचा दूंगा। मिस्टर गजेंद्र, कॉलेज में आपके भाइयों ने एमएलए के बेटे को मारा है, इसीलिए मैं सबको अरेस्ट करने आया हूँ। मजाक लग रहा है? सदाचारी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओह आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। ऑब्जेक्शन इंस्पेक्टर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक कौवे को भी इस घर में चोंच मारने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर सेकंड, एक मच्छर को भी यहाँ किसी को काटने से पहले मेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर थर्ड, ये गैर कानूनी है। नहीं, मेरी नजरों में सब कानूनी है। इन चार लोगों ने जानते हो किस पर हाथ उठाया है? एमएलए के बेटे पर हाथ उठाया। एमएलए का बेटा नहीं हो गया, किसी के भैंस का अंडा चुराने वाला डायनासोर का बच्चा हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये केस महान गजेंद्र के भाइयों का है। इन वीर पांडव योद्धाओं ने उस एमएलए के बेटे दुर्योधन को मल्ल युद्ध में पटक पटक कर धोया है, और इनकी तरफ से ये रहा एंटीसिपेटरी बेल। मिस्टर इंस्पेक्टर, जैसे पोटी जाने से पहले हम पानी और साबुन तैयार रखते हैं, उसी तरह हम हड्डी टूटने से पहले बेल तैयार रखते हैं। सो प्लीज। भैया क्या बात है? क्या हम इस घर को गिराकर कोर्ट को ऊपर और पुलिस स्टेशन को नीचे बनवाकर बीच में नहीं रह सकते? क्यों भैया, कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के मैं घर चक्कर हो गया हूं। सुनो, तुम लोग कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या ताकाजागी कर रहे हो? हम टिकट खरीद के। मैं कहता हूँ विराट कोहली यहीं रहता है क्या? विराट कोहली? हाँ, किसी ने बताया उसका यहाँ मैच चल रहा है। बिल्कुल सही एड्रेस पे आओ, अंदर आ जाओ, खाना खाकर मैच दिखाता हूँ। मेरा पास है। जब जब इस गांव के किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो ये चिंगारी बनकर उभरता है। इसकी परछाई भी दिख जाए तो बदमाश हथियार डाल देते हैं। इसका दिया हुआ हर वादा गांव वालों के लिए वो पत्थर की लकीर है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। बेजान हथियार भी इसके इशारों पर हवा में ही दाएं से बाएं घूमते रहते हैं। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं क्योंकि ये दिलों पर राज करता है, और ये है गरीबों का मसीहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। इसकी सांसों में फौलाद है, इसकी आंखों में आग है। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, और ये है गरीबों का मसीहा। नहीं, नहीं, नहीं। इन सब के नाम लिख लो और देखो इनका काम हो जाए।
किसान अपना खून पसीना एक करके अनाज उगाते हैं और तुम हमसे वो सब छीन लेते हो, उसे दुगने दामों में बेचकर तुम साहूकार अपनी खुद की जेबें भरते हो। क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है तू? है चुपचाप हमारी बात मान ले बच्चे। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें अनाज कौड़ियों के दाम बेचने से तो अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूँ। ओ तो तू ऐसे मरना चाहता है? अब बता, तू हवा में लटक कर अपनी जान देना चाहता है या जमीन पे रहकर जिंदा रहना चाहता है? यहाँ की मार्केट में जिंदा रहने के लिए तुम लोगों की मनमर्जियां नहीं चलेंगी। हाँ, मेरी बात मान लो वरना जिंदा नहीं बचोगे। बस यहीं रोक दो। ओके डियर। ये है मेरे भांजे का घर। अच्छा। हाँ, डार्लिंग तुम जरा घूम के आओ, लेकिन मेरे नेटवर्क में रहना, जैसे बुलाऊं दौड़ के आ जाना। ओके। आई लव यू डार्लिंग। भांजे, मेरे प्यारे भांजे। क्या मामा, इतने टाइम के बाद आए? अरे रे रे रे, लानत है तुम सब पर। तू यहाँ औरतों की तरह कपड़े सुखा रहा है और तू जले हुए बर्तन को चमका रहा है, और इसे देखो ये तरकारी काट रहा है। ए बेटा, तेरे पास इतना पैसा है कि तू इन सब काम के लिए नौकरों को रख सकता है, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि घर के मालिक ही नौकर बने हुए हैं। बेटा तू शादी कर ले, घर में पायल गुंजेगी, वो पूरे घर को संभाल लेगी। देख बेटा, एक आँख ना हो तो चलेगा, लेकिन बीवी का होना जरूरी है। कब तक कुंवारे रहकर अपने हाथों को तकलीफ देते रहोगे? इस चौल में ना। सुन रहे हो, ये जानता है कि भैया को शादी से नफरत है, फिर भी यहाँ आगे फालतू में अपना रिकॉर्ड बजा रहा है। देख भांजी, मेरे दोस्त की एक जवान और कमसिन बेटी है, उसका नाम है बुलबुल। क्या झक्कास दिखती है! गांव के जवान हो या बुढ़े, सब उसके दीवाने हैं। एक बार तुम्हारा और उसका कनेक्शन आपस में जुड़ जाए तो जिंदगी भर तुम उससे चुंबक की तरह चिपकते रहोगे। फिर तो जिंदगी भर झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। मामा, आप दूर से आए हो, पहले कुछ खा लो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर बात करते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा भांजे, तुम अन्नदाता हो। चिंतामणि। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही इस पूरे खाने पर लिखा है मेरे पेट का नाम। बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? अगर किसी लड़की ने इसे अपने नरम हाथों से परोसा होता तो पूरे बदन में किक लगती। किक किक चाहिए? हाँ, वो भी मिल जाएगी। चलेगा। वाह क्या स्वाद है। ओ, बस बस दाल कमाल की है। बस 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 करो, बहुत हो गया। भांजे, मेरी बीवी से लेकर मेरी माशुका तक हर किसी ने मुझे सिर्फ नोचा ही नोचा है। आज पहली बार मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तुम्हारा प्यार देखकर। आई लव यू भांजे, तुम बहुत अच्छे हो भांजे। अरे भांजे, इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर कोई मसाज के लिए मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। बस इतनी सी बात? हाँ। अभी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये सच में हो सकता है? वेट एंड सी मामा। चिंतामणि। कमाल है। आपने बुलाया भैया? दरवाजा बंद कर। ठीक है भैया। अरे बेटा, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओह, अब मैं समझा, मेरे मसाज के समय कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से खुद की शादी की भी बात नहीं करूंगा। ए मामा, हम पांचों भाई मिलकर साथ रहते हैं, ये बात तुझे हजम नहीं हो रही क्या? अरे भांजे मुझे छोड़ दो। ए सुनो, इसे जितना दूर फेंक सकते हो फेंको। फेंको उसे। हाँ, जी भैया। गांव वालों, अगर कोई मेरे घर आके मेरी शादी कराने की हिम्मत करेगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत हैं। वाह वाह क्या बात है। भाइयों की ऐसी एकता तो पूरज परजात्या की फिल्मों में देखी थी, लेकिन आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। अपने इस कुमारे एसोसिएशन में मुझे भी थोड़ा स्थान दीजिए। सिर्फ एसोसिएशन नहीं, तेरे लिए तो दिल में जगह है। आजा भैया, जब तक जान है आपके दिल के समंदर में गोते लगाता रहूंगा। महान है भैया। अलबेली। हाँ चेरी। अलबेली, मैं
मैं हूँ ना तेरी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है, पर हम दो जान है ये बात जानने वाला जानता ही नहीं। भले ही तेरी बोली कोयल जैसी है और मेरी बोली कौवे जैसी, फिर भी हम दोनों प्यार करते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, कुछ नया बताओ ना। गजेंद्र की पिक्चर में सदाचारी और अलबेली एक नहीं हो सकते, पर असलियत में ये सदाचारी और अलबेली मिलेंगे और इस पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर गाना जरूर गाएंगे, पर बैड लक को ये मंजूर नहीं। तो क्या करें? अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा अलबेली। कौन बन रहा है हमारे प्यार में हड्डी? वही गजेंद्र नाम का मुर्गा जिसने मुझे पांचवे चूजे की तरह गोद ले लिया। अब मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्या छीन ली? अरे येड़ी, तुझे मुझसे छीन ली। तू मुझसे दूर हो गई, अब तू मेरी बहन है। बहन बोला? हाँ, जैसे तुम लड़कियां हम लड़कों को रिश्ता तोड़ने के बाद भैया ही बुलाती हो ना, इसीलिए मेरा बदला है, बदला। अब से तुम मेरी बहन हो। तू भाड़ में जाए तू और तेरा प्यार। थोड़ी लाइन क्या दो, सीधे गले पड़ते हो। हाथ तो कंट्रोल में रहते नहीं है, संन्यास लेने चले। उस गजेंद्र के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना? जाओ, तुम्हें उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। तेरा कभी भला ना हो, तू बर्बाद हो जाए। मुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी। मेरा श्राप है कि तेरे दोनों हाथों में लकवा मार जाए। तुझे चाहे जितना भी श्राप देना हो, लेकिन मेरे हाथों को श्राप मत देना, क्योंकि अब से मैं कुंवारा हूँ। कुत्ते कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये औरत है कि चुड़ैल है, इतना हैंडसम भाई कहाँ। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं, और भैया हमारी ताकत हैं। हमारी शादी कब होगी? अरे हो जाएगी डार्लिंग, हम तो अपनी शादी ऐसे करेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो शादी में आए हैं या मेला घूमने के लिए। लोग तो कंफ्यूज बाद में होंगे, पहले मैं तेरा फ्यूज ठीक करता हूँ। वहाँ अपने भाई के सामने निभाते हो ब्रह्मचार्य, और गर्लफ्रेंड के सामने निभा रहे हो व्यभिचार्य। अभी जाके बताता हूँ। रुको, भाई हो तो ऐसा जो अपने वादे पर खूटे जैसा टिका हुआ है। कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी में ना रहे हो। अरे भाग यहाँ से। ए, आज हो क्या गया? एक भाई वहाँ फुटा रहा है, दूसरा भाई यहाँ से फुटा रहा है। यो भाई क्या बात है, चड्डी नहीं पहनी इसीलिए शर्मा रहे हो? अरे टेंशन मत लो, मैं तुझे अपनी चड्डी देता हूँ। ये देख, मैंने दो दो पहने रखी हैं, लाल है और पीली है, कौन सी लेगा ये बता। मेरे पास रंगा रंग चड्डी हो। मैं ज्यादा टाइम तक सांस नहीं रोक पाएगा, हूँ तो वापस जाऊँ क्या? ए भाई ये क्या हो रहा है, मेरे फटा पोस्टर निकला हीरो तो सुना था, लेकिन उछला पानी निकली हीरोइन पहली बार देख रहा हूँ। कब से चल रहा है? 4 साल से। हमारा 7 सालों से। 7 सालों से? सच सच बताना, तुम लोगों ने अब तक कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं? ओ हेलो, हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं, हम अच्छे खानदान में पले हैं। तो हम लोग लूचे खानदान से क्या? ए, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी अलबेली को दुकेली से अकेली कर दिया। छोड़ूंगा नहीं। तुम दुकेलों को भी अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं, संघ की एकता बनाए रखने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। हट जाओ। अरे ऊपर फिट फाटे लेकिन अंदर मुकामा काटे। जो बोलेगा वो करेंगे, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी शादी भी करा देंगे हम। पक्का? हां पक्का। तो खुश हो? हूँ भैया, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनेगी, मैं तो खुशी से फूल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छी बात है, शादी अपने दिल को खुशी तो देती है, पर शादी जिंदगी में एक भांग की तरह है, जहाँ भांग उगेगा जमीन की सारी फसल खाक हो जाएगी। समझे मेरी बात? क्या भैया, आप अपनी चारों भाइयों से अलग ना हो इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे, पर मैं तो अकेला हूँ ना, मैं तो ऐसे कुंवारा ही मर जाऊंगा। कुंवारे हो तो वैसे रहो, अरे यहाँ जाओ वहाँ जाओ घूमो फिरो, एक बार शादी हो गई ना तो घड़ी घड़ी फोन आएंगे कि कहाँ हो, कब आ रहे हो। अगर उसकी किसी दोस्त ने जेवर खरीद लिया तो वो तुमसे जेवर लेने के लिए जिद करेगी, अगर किसी पड़ोसन ने साड़ी खरीद ली तो वो तुमसे नई साड़ी लेने की मांग करेगी। गांठ बांध लो, बीवी जिंदगी बनाती नहीं है बल्कि बिगाड़ देती है। क्या? तेरे भाई और उसकी नफरत इंडियन पॉपुलेशन की वाट लगा के छोड़ेगा। पिये लो, दूध पियो। ये ले कचरे फेंक देना। ए चिंतामणि भैया, मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। लुट गई डूबिया। अरे कैसा है तेरा भाई, ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। मुझे पता है कि वो कौन है जो भैया के दिल में प्यार की घंटी नहीं बजने दे रहा। कौन है वो? चाय वाला। क्या कर रहे हो, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। हे चाचा, चाय की दुकान से मन नहीं भरता तो दिन भर दूसरों के दिमाग में इधर उधर की बातें भरते रहते हो, ऊपर वाले से डरने लगता क्या? तू चाहता नहीं कि भैया की कभी शादी हो, तेरी ब्लैक टी पी के भैया ने हमारी जिंदगी का ब्लैकआउट कर दिया। बिल्कुल, अपनी टपरी उठा के फुर हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस राक्षसों वाली हंसी का क्या मतलब? तुम्हारा भाई जब 12 बरस का था तो मेरी दुकान में काम करता था, मैं उसे खाना देता तो वो यहाँ टपरी पे नहीं खाता था, घर लेके भाग जाता। जब भी मैं पूछता तो कहता मेरे भाई भूखे हैं चाचा, मैं पूछता तुम क्या खाओगे,
तो कहता मैं चाय से काम चला लूंगा चाचा। तब से आज तक वो मेरे हाथ की चाय पीता है, मुझे भी उसे चाय देने की आदत हो गई है। ये बात याद रखो, जब तुम छोटे थे माँ बाप दोनों का प्यार तुम्हारे भाई ने तुम्हें अकेले दिया है। भैया ने हमारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, और उस सब के बदले में हम लोग उन्हें क्या दे रहे हैं? आज से ये लड़कियों का चक्कर सब बंद। ए, प्यार कोई मैथमेटिक्स का बुक नहीं है। जब समझ में आया तो खोल दिया, जब समझ में नहीं आया तो बंद कर दिया। प्यार ना प्यार होता है प्यार। मुश्किल से पटाई हुई लड़कियों को इतनी आसानी से जाने दोगे क्या तुम लोग? इससे अच्छा तो कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे भैया के बंजर दिल में प्यार का पौधा उग जाए। लेकिन वो होगा कैसे? भैया के तुम किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो उनके सारे राज जानता हो? कृष्णमूर्ति। पर वो तो कुंवारों के एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है, लड़कियों को देखता तक नहीं होगा। अरे बाप रे, कौन आ गया? हाय पापा। अंदर आ जाओ। आधी रात को क्यों आ गई? तुम तो मुझे घर पे बुलाते नहीं हो, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अगर गज्जू को पता चला तो मैं तो गया काम से। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे अपनी बीवी का दर्जा दो और यहाँ इस घर में रहने दो। डार्लिंग साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, ये कहते कहते एक बच्चा भी कर लिया। सब मेरी बच्ची को पूछते हैं तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा कहाँ है, क्या बोलूं मैं हर बार सबको? जानू, उसे पता चला कि मैंने तेरे साथ चार फेरे लिए हैं तो गज्जू मेरे चार टुकड़े कर देगा। लगता है वही है। जाओ जाओ किचन में छुप जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ के आरती का प्रसाद बट रहा है, चलो निकलो निकलो, जाओ अपने घर जाओ। अरे 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 अंदर बताओ, अरे क्या कर रहे हो? आचार्यों को देखकर तुम्हारे ब्रह्मचारियों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोई ना कोई समस्या है। मदरे की दुर्गंध है, मोगरे की सुगंध है। जब दोनों गंध एक साथ हो, कोई ना कोई समस्या होती ही है। ये किचन में कौन है? शायद चूहा होगा। एक अकेला चूहा किचन में खाना बना रहा है क्या? बोलो बोलो। मैं आ गई। अरे ये तो चूहिया है। चूहिया नहीं, गुड़िया है। गुड़िया, पड़ोसी की गुड़िया है। बेटा तुम किचन में क्या कर रहे थे? बेटा अंदर मम्मी के साथ छुपी थी। तो पड़ोसी की पत्नी भी है? ये झूठ बोल रहा है, मैं पड़ोसी की पत्नी नहीं इनकी पत्नी हूँ। कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरी बीवी हो? सबूत चाहिए? ये बच्ची काफी नहीं है? भाइयों हमने तो प्यार के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन इस भाई साहब ने तो PhD कर ली है। मैं हाथ जोड़कर तुम महान लोगों से विनती करता हूँ कि गज्जू को इस बारे में मत बताना। अगर नहीं चाहते कि ये राज खुले तो भैया के सारे राज हमें बताने होंगे। क्या मतलब? मतलब उनके ध्वस्त जीवन को हमें गृहस्थ जीवन बनाना है। यानी तुम सब भी थैंक्स है। हमारे भैया को कॉलेज में कभी इलू इलू हुआ था क्या? गज्जू और प्यार लड़की को देखकर ऐसे भागता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा, कोई चक्कर नहीं था। लेकिन जब हम छठवीं क्लास में थे तब छठवीं क्लास में 100 मीटर की दौड़ जिसने जीती है वो है छठवीं क्लास की आपकी अपनी सरला कुमारी, और चित्रकला में पहला प्राइज जीता है छठवीं क्लास की छात्रा सुमित्रा ने। कृष्णा, इस लड़की का नाम सुमित्रा है, बहुत ही अच्छा नाम है ना? हाँ, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और वो युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, और दूसरा विश्व युद्ध सुमित्रा हुआ था। तुम्हें ये पसंद है क्या? ये मिंट की गोलियाँ तो मेरी फेवरेट है, तुम कल भी लेके आना। हाँ सुमी, क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल जल्दी। हाँ, चलो सुमी। ए कृष्णा, कृष्णा सुनना, तुम्हें पता है सुमित्रा के सारे दोस्त उसे किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से? सब उसे सुमी बुलाते हैं। हाँ क्या? सुमी, 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 सुमी। गज्जू दिन भर
सुम्मी सुम्मी का ही राग अलापते रहता था। तुम्हारे जैसा बेकार आदमी किसी के काम आया हो या ना हो, हमारे काम तो बहुत आ गया है ना। हम इन सुमित्रा जी को ढूंढ के किडनैप कर लेंगे और भैया से उनकी शादी कर देंगे, फिर सारे गम हो गए बाय बाय और खुशियाँ हमें बोलेंगी हाय हाय। यस यस, चलो चलो। कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो? राम भैया के सीता का हरण करने जा रहे हैं। सिर्फ सीता मैया को नहीं, साथ में लव कुश को भी लाना पड़ेगा। क्या? उसकी शादी भी हो गई। शादी के बिना बच्चे कैसे होंगे? लेकिन तुम्हें तो है, अब क्या होगा? पता लगाने का एक ही तो जरिया था। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम लोग उसी नाम की एक लड़की ढूंढ निकालो। गज्जू को सुमित्रा नाम से प्यार था, अगर हमें उस नाम की लड़की मिल गई तो केस क्लोज। ऐसे कैसे केस क्लोज हो जाएगा? आजकल की लड़कियों के फैशन देखे हैं क्या? एक ही कपड़े को फाड़ कर पूरे मोहल्ले की लड़कियां अपना ड्रेस बना लेती हैं। और आजकल के जमाने में कौन अपनी बेटी का नाम सुमित्रा रखेगा? सुमित्रा देवी और उनकी टीम की लड़कियां SKS कॉलेज से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? हम गांव-गांव में जाकर वहाँ जितने भी पुराने मंदिर हैं उन्हें साफ करके सुंदर बनाने का अभियान कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम इस गांव में आए हैं। हमारे काम की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी टीम लीडर सुमित्रा से मिलिए। एक्सक्यूज मी, ये सुमित्रा जी कहाँ मिलेंगी? वो उस तरफ। चलो रे, चलो जल्दी करो। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जरा संभल कर। ऊपर और ऊपर ऊपर। इसे भी अभी बचना था। ये इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, कृष्णा मूर्ति, हमने अपनी होने वाली भाभी सुमित्रा जी को ढूंढ लिया है। मैं क्या मोहल्ले में पेड़े बांटूं? सुमित्रा को देखकर हमारा सुमी अलग और त्रा अलग हो गया है। अगर अपने राज को राज रखना है तो अपने निकम्मेपन को हटाओ, सरकारी जुगाड़ लगाओ और सुमित्रा देवी की सारी लड़कियों को हमारे गेस्ट हाउस में ठहरा दो। ठीक है जानू। अरे सुमू, आई मीन जानू। लो, अगर इनकी शादी हो गई होती ना तो इनकी बीवी इनका भी ढोल बजा रही होती, लेकिन नहीं, देखो बड़े आराम से मर्दों के साथ बैठे हुए ढिंकी टारा कर रहा है। ये तो पैदाइशी कवारे निकले। चुप। एक और आइडिया दिमाग में आ रहा है। वाह क्या बात है। हेलो हेलो, मैंने बोला। बोलो कमिश्नर साहब, कैसे याद किया? हाय गज्जू, एक छोटा सा काम था तुमसे। बिंदास बोल, मैं तो तेरे लिए हमेशा हाजिर हूँ। अरे मंदिर का रिनोवेशन करने जो लड़कियाँ आई हैं उन्हें तुम्हारे गेस्ट हाउस में मैंने ठहरा तो दिया, पर जल्दी जल्दी में उन्हें चाबियाँ देना भूल गया। तुम जाकर दे दोगे प्लीज? चाबियाँ वहीं होंगी, शायद पास वाले टेबल पर ही रखी होंगी। हाँ रखिए। तो तुम जाकर लड़कियों को चाबियाँ दे दोगे ना? ए, रात ज्यादा हो गई है और वहाँ लड़कियाँ रहती हैं यार। मैंने पी रखी है, अगर मैं वहाँ गया और कुछ गड़बड़ हो गई मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा भाई। अरे तू जंगल का शेर है गज्जू, और मेरा शेर हिरनियों के झुंड के सामने जाने से डर रहा है। मुझे शेरों के झुंड से भिड़वा दो, अकेले सबको संभाल लूंगा, पर मैं लड़कियों से थोड़ा घबराता हूँ। ए, तुझे बचपन की दोस्ती की कोई कद्र नहीं? कैसा बेशरम है। वहाँ एक सुमित्रा नाम की लड़की है, उसे चाबी दे देना। किसे देगा? सुमित्रा नाम की लड़की को। अभी इसी वक्त जाकर सुमित्रा नाम की लड़की को चाबी दे दे। अगर मेरा इतना काम नहीं किया तो मेरा चेहरा दिखाने तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। हाँ तो मास्क पहन के आ जाना। मेरी बात नहीं मान रहा, फोन काट दिया। भैया ने फोन काट दिया, दिल करता ना तेरा ही टांग काट दूं मैं। अरे यार मैं कलेक्टर लेवल का ऑफिसर हूँ, थोड़ी तो इज्जत दो। मेरा दिमाग कहता है कि वो चाबी देने जाएगा, और एक बार अगर उसे सुमित्रा से सुन्नी याद आ गया तो वो जोर जोर से ढोल बजवाना बंद कर देगा, देख लेना। ढोल बंद करवा दिया। वो धीरे से अपनी जगह से उठेगा। अरे हाँ खड़े भी हो गए। और फिर यहाँ वहाँ दो तीन चक्कर लगाएगा। हाँ चल भी रहे। अब अपने फोन से मेरा नंबर लगाएगा। अरे हाँ क्या हुआ गज्जू? ये बता तूने नाम क्या कहा था? गज्जू कहा था। अबे मेरा नाम नहीं, उस लड़की का।
सुमित्रा, सुमित्रा कहा था मैंने। ठीक है, मैं उसे चाबी दे दूंगा। नहीं नहीं रहने दे, मैं किसी को भेज देता हूँ। अगर ज्यादा तकलीफ लेने वाली बात है तो छोड़ दे, मैं किसी को भेज दूंगा। यार अगर अपने बचपन के दोस्तों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। अब तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है, दे दे चाबी और खोल दे ताला। फंस गया जाने। कब तक ऐसे बाहर रहेंगे? अरे वो कलेक्टर का बच्चा फोन ही नहीं उठा रहा है, पता कैसे चलेगा। एक काम करते हैं, हम लोग अंदर बैठे। ठीक है, ओके ओके, चलो। अरे वाह, असर हो रहा है, शीशे में देख रहे हैं, वो भी पहली बार। तो क्या अभी तक सेल्फी कैमरा में कंघी करते थे? भावनाओं को समझो यार, ऑब्जर्वेशन फोकस। अरे भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, गेस्ट हाउस में चाबी देने जा रहा हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? ये चाबी आप मुझे दे दीजिए, मैं गेस्ट हाउस तक पहुँचा दूंगा। नहीं, तुम जाकर देखो दूध उबला क्या, चलो जाओ अंदर। भैया पर मैंने दूध तो गैस पे रखा है। दूध उबल रहा है तो उबल रहा है, जाके चूल्हा बंद करो, जाओ अंदर। ठीक है भैया। पता नहीं मैंने कब रख दिया था तुम। सुमित्रा जी, अंधेरे में तीर चल जाएगा ना। अंधेरे में तीर चलाते चलाते इस देश की आबादी 136 करोड़ हो गई, क्यों नहीं चलेगा। कौन है आप? वो चाबी ने फोन करके कहा था कि कृष्णा गजेंद्र को दे दो। क्या? पहली बार भैया की बोलती बंद। मेरा नाम गजेंद्र है, कृष्णा ने फोन करके कहा था कि चाबी आपको दे दूं। ओह थैंक यू। अब सुनिए, आपका कोई निकनेम है क्या? सुम्मी। मुझे तो लगा था कि ये खटारा गाड़ी धक्का लगाने से भी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन ये तो बिना बैटरी के रिमोट से ही चल पड़ी भाई। गांव वालों यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज हम यहाँ खेती का टेंडर निकालने वाले हैं, उम्मीद है आप पूरी तैयारी में आए होंगे। बेतुला जी आ गए हैं, तो क्या अब हम टेंडर की प्रक्रिया शुरू करें? इस कस्बे में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और गोदामों के साथ साथ सरकारी कामों के लिए आपके ट्रक और माल ढोने वाली दूसरी गाड़ियों के लिए कम दामों पर टेंडर दिया जाना तय है। इस टेंडर को भरने के लिए आज आखिरी तारीख है, इसे जो चाहे भर सकता है। कोई है? अगर किसी को टेंडर की अर्जी देनी है तो आगे बढ़ो या मेरे अलावा कोई टेंडर नहीं भरता। जल्दी पर्चा खोल के पढ़ो बाबू, इस साल भी मुझे ही मिलेगा। एक और टेंडर भरा गया है। तू है? बात है गजा, ताकत की लालच तुझे यहाँ ले आई? ताकत की लालच मुझे यहाँ नहीं लाई है, मैं लोगों का हक बचाने के लिए आया हूँ। सरकार को धोखा दो तो चलता है, पर गरीबों के अधिकार पर आंच आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब ताकत मेरे हाथ में है, मेरा ही हुक्म चलेगा। बोलो सुरेंद्र। भैया अपनी 30 लॉरी रास्ते से अचानक गायब हो गई है।
ये सब मेरा किया धरा है बच्चे। तुम्हारे पास फोन है? हाँ है। नेटवर्क है? हाँ है बेटा। बोल। पापा, गजेंद्र के भाइयों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो पापा। तुमने मेरी 30 लॉरी गायब की, मैंने तुम्हारी गाड़ी गायब की। जब गाड़ी के अंदर देखा तो उसके अंदर तुम्हारा बेटा था। जिस खेल को तू खेलता है ना, उस खेल का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। बेतुला के टेंडर की कीमत से गजेंद्र के टेंडर की कीमत कम थी, इसीलिए इस साल का सरकारी टेंडर गजेंद्र एंड ब्रदर्स ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया जाता है। नहीं। गजेंद्र, ताकत के घमंड में तू अपने आप को राजा समझने लगा है। कुर्सी पर बिना सोचे समझे तू सिर्फ नाम के लिए बैठ रहा है। इस पे बैठने के लिए जिगर होना चाहिए। कौन कहता है कि मैं कुर्सी पर सिर्फ नाम के लिए बैठना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं। ताकत जो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। मैं इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा, तुम्हारी तरह नहीं। नमस्ते। बस बस बस। नमस्ते बेटा, तुमने हमें उस राक्षस से बचा लिया, हम तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति राजा नहीं होता, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, और वो तुम हो। ये लो बेटा। हेलो, कैसे हो गजेंद्र? नया काम है, नया दफ्तर है, मजा आ रहा होगा ना? लेकिन इस घमंड के नशे में तू इतना चूर मत हो जाना जिसकी वजह से तू अपने भाइयों तक को भूल जाए। क्या तू उन्हें डर के मारे भागते हुए देखना चाहता है? मुझे देखकर मजा आ रहा है। तूने मुझसे मेरी ताकत छीनी है, मैं तेरे भाइयों को तुझसे छीन कर उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। तो कि तू खून के आंसू रोए। रोन दो इन्हें, चलो। सोचा था कि मुझे तुम चारों के लिए अलग अलग कब्र खोदनी पड़ेगी, मेहनत बच गई। तुम चारों को एक साथ ही दफनाऊंगा। चार नहीं बे गधे, पांच है। पांचवा कौन है बे? पांचवा कौन है ये जानने से पहले अपने जिगर को मजबूत बना ले। नजरे घुमा, तेरा बाप आ गया है। अच्छा किया गजेंद्र, मुझे लगा था कि तुम अपने भाइयों की लाश उठाने आओगे, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ उनके साथ मरने के लिए आ गए। लोगों का धरती पर आना भगवान के हाथ में है, धरती से जाना यमराज के हाथ में, पर तेरे भाग्य का निपटारा इस गजेंद्र के हाथ में है। अभी तक समझा नहीं? तू इन्हें भगा कर यहाँ नहीं लाया, ये लोग तुझे खींच कर मेरे पास यहाँ लाए हैं। तुम लोग पांच हो, मेरे पास 50 की फौज है। इन्हें देखकर थोड़ा डर नहीं लगा तुझे? है अबे मुच्छड़, तू जैसे बुढ़े की धमकी से डर जाए ऐसे गीदड़ नहीं है हम। तुम सबका सामना आज शेरों के झुंड से पड़ा है, और मेरे भाई में 100 हाथियों का दम है जो तुम्हें अकेले पछाड़ देगा। ओहो, ये खून कैसे निकला? इन्होंने मारा भैया। hey, कोई बच के जाने ना पाए। डालो। Oh!
अरे अरे एक मिनट, इसकी खोपड़ी पे क्यों मार रहा है? सीधा लात मार इसे। कैसे लगी भाई? बहुत बढ़िया लगा रहे। किसी पर पीछे से वार नहीं कर। थैंक यू भाई। इसकी छाती पर वार कर। ए नागेंद्र, गले से पकड़, पैर को लॉक कर और उठाकर फेंक दे। अरे अरे अरे, एक जगह पे मत मार, मुट्ठी बना और ठोक जा। बेहोश होकर गिरना चाहिए। पर ये तो गिरा नहीं। एक दो तीन, देखा गिर गया ना। वाह क्या बात है भैया। भैया इसे यहीं पर चला देते हैं। नहीं भैया, इसे ले जाके चौराहे पे लटका देते हैं। नहीं 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 भैया, मैं तो कहता हूँ इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देते हैं। मेरे भाई शेरों की तरह हैं, छूट दे दी तो फाड़ खाएंगे। मौत को सामने देखकर पसीने छूट गए ना, ये गुंडागर्दी की जिंदगी छोड़कर सुधर जा, सुधर जा या फिर ये जगह छोड़कर चला जा, नहीं तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। चला जाऊंगा। भैया। हाँ बोल। सुमित्रा जी और उनकी दोस्तों को मंदिर में कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, अब जाइए और उन्हें बचाइए भैया, जल्दी जाइए भैया। चेरी, तूने झूठ क्यों बोला? यही तो फर्क है जीनियस और तुम लोगों में। ऐसा झोलमाल करने के लिए तुम्हें मुझ जैसा वकील होना पड़ेगा, या फिर तुम्हें गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स की एक्शन फिल्में देखनी पड़ेंगी। ये 100% काम करेगा ही करेगा। नहीं काम करेगा। अबे, ये तो वही है ना जो सुमित्रा देवी के साथ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती है। यहाँ क्या झाड़ने आ गई? मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए यहाँ आ गई। देख लिया ना, अब जाओ जाओ। नहीं जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरी बात मान लो। ये क्या चल रहा है? ये गुलाब कब खिल गया भाई? तुम खुद ही समझ लो। पिक्चर शुरू होने के पहले फ्रेम से तू मेरी आंखों के सामने है, फिर तूने ये सीक्रेट शूटिंग कब कर ली? मैं बताती हूँ ना, इसके बड़े भाई ने हमको घर की चाबी दी और इसने हमें गैस का कनेक्शन दिया, केबल कनेक्शन भी दिया, और तो और पानी का कनेक्शन भी। अबे तू तो वो टावर था जिसका कोई सैटेलाइट कनेक्शन ही नहीं था, तो तूने कौन से तार से इससे कनेक्शन भिड़ा दिया बे? ए, इसकी उंगलियां आटना बंद कर दे नहीं तो घिस जाएंगी। छोड़ ना। अच्छा ये बताओ, हमारे प्लान में आखिर कमी क्या है? जानते हो सुम्मी को ऐसा लड़का चाहिए जो हिंसा के सख्त खिलाफ हो और शांत स्वभाव का हो। तो क्या तुम्हारे भाई में ऐसे गुण हैं? क्या? मुझे ऐसे गाली मत दो यार। देखो तुम्हारे बुरे वक्त में तो मैं ही काम आता हूँ ना, अगर मुझे मार दोगे तो बेल कौन कराएगा? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। निकल ले बेटा। भैया भैया, ओह नो, आई एम सो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे? मैं तो ठीक हूँ। ओह अच्छा, ठीक है मैं चलता हूँ। सुनिए, ये कलर आप पे बहुत जच रहा है। हेलो भैया। तूने कहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो सब ठीक है? कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है, वो सुमित्रा जी से आपका जो टाका भिड़ा था टूट गया था ना, उसे जोड़ने के लिए ही बुलाया था भैया। कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे दिए बहुत पसंद है। हाँ चले।
आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अगर इस समय घर में भाभी होती तो मजा ही आ जाता यार। सुनिए, दिवाली के दिन भी घर में दिए नहीं जलाए, ऐसा क्यों? बेचारों का दिल रोज जला करता है, वो क्या खाक दिया जलाएंगे? मतलब हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना दिया जलाने के लिए। अगर मर्द दिया जलाएगा तो घर में आग लग जाएगा। अगर आप बुरा न माने तो मैं दिए जला दूं। प्लीज। अगर भैया ने भाभी को यह देख लिया तो वो खुशी के मारे दिवाली में ही होली मनाने लगेंगे, गारंटी है। ए, भैया आ गए, चल निकल, कल्टी मार, चल चल चल। आ जाओ मेरे हीरो, आज तो तुझे हीरोइन के प्यार में गिरना ही पड़ेगा भैया। कैसा गिरा हुआ आदमी है यार, चौखट पे गिर गया, हीरोइन की गोदी में गिरना था। ज्यादा ही चढ़ गई यार। फ्लॉप, पूरा प्लान फ्लॉप। औरत एक बेरोजगार आदमी को तो माफ भी कर सकती है, लेकिन एक बेवड़े को तो जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। सुनिए, जरा यहाँ आइए ना। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं नशे में गेस्ट हाउस में तो नहीं घुस गया यार? चिंता बड़े भैया, चल कबाब में लड्डू, निकल यहाँ से। मुझे आपके घर में दिए जलाने हैं, मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये हमारा ही घर है, ट्यूबलाइट रोशनी के लिए बल्ब जला दूं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ भरना है। मैं तो भरा हुआ हूँ, अब और नहीं चाहिए, टंकी फुल है। अरे आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको मेरी खातिर भरना ही पड़ेगा। बाप रे, आप तो महान हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, 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 आप तो पहली औरत होंगी जो किसी मर्द को पीने के लिए उकसा रही है। आप महान नहीं तो क्या होंगी? ये क्या है? दिए में भरने के लिए तेल है, अगर दिवाली के दिन दिए ना जलाएं तो अपशगुन माना जाता है। अच्छा, सुमित्रा देवी जी, मैं आपकी मदद करूंगा। दारू ने प्लान फ्लॉप नहीं yes. कर दिया भाइयों। देखिए आपका घर कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। मैं ही आप लोगों से मिलने आने वाली थी। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या, आप लोग बता सकते हो? देखिए मैडम, हम मंदिर में देवता को नहीं देवियों को देखने जाते हैं, तो ये मूर्ति वूर्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ओह समझ गई। मूर्ति के काम को आपने जिस तरह से मन लगा के किया है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, मगर आपको ये नहीं पता कि आपके दिल के मंदिर में कौन से देवता को बैठाना है, इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे दिल में? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे गजेंद्र भैया के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सबका कितना ख्याल रखते हैं, उनका दिल सोने का है। बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल के बड़े नर्म है, एकदम नारियल की तरह। अब और उनकी तारीफ में क्या कहूँ। बस कीजिए, रुला दिया। अपने दिल के अंदर दबे इस प्यार के समंदर को कब तक दबा के रखेंगी मैडम? प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। रुक जा, सांस रुक गई, ढीला कर। मैडम आप तो बस उन्हें इज्जत करती हैं, पर गजेंद्र भैया तो आपसे प्यार करते हैं, वो भी अपने पूरे दिल से। लगता है प्यार की चिंगारी लग गई भाइयों। देखिए अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगी, मैं उनसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन वो चाहे तो मैं उनकी अच्छी दोस्त जरूर बन सकती हूँ। सत्यानाश। भैया मुझे लगता है गेस्ट हाउस वाली सुमित्रा से आपका टाका भिड़ गया है ना। ये तुमसे किसने कहा? ये लोग कह रहे थे कि दिवाली के दिन आप अपनी आंखों से प्यार के दिए जला रहे थे। बेकार की बातें मत करो, जाओ और जाके काम करो। भैया दिवाली के दिन उन्होंने दियों से आपके नाम की आकृति बनाई थी, वो भी तो प्यार है।
वो बालों में टूथपेस्ट लगा रही थी और ब्रश पर शैम्पू लगा रही थी, उसे पक्का आपसे प्यार हो गया था। एक बात बताओ, उसकी इन हरकतों के बारे में तुम लोगों का पता चला? वही तो मैं कह रहा हूँ। बात ये नहीं है कि इनको पता कैसे चला, सवाल ये है कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग है। कल सुबह 8 बजे मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर है? और उससे जाके कह दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अरे ढीला करो यारो। भाइयों कल सुबह हमें 6 बजे हर हाल में उठना पड़ेगा, हमें भैया को सुमित्रा से मिलने से रोकना ही पड़ेगा। अबे अबे चिंगरो उठो उठो, 6 बजे की जगह 9 बजे का अलार्म क्यों लगा दिया? लगता है पीने के बाद मैंने गलती से 9 को ही 6 समझ लिया। तेरे 9-6 के चक्कर में 12 बज गए यार। तू भी ना, गलती हो गई। भैया कहाँ है? ए प्रीति, इन मूर्तियों को अलग मत करना। क्यों, क्या हुआ सुम्मी? बिना अलग किए ही इन्हें साफ कर दो ना प्लीज। अरे लेकिन सुम्मी, अगर ये मूर्तियाँ अलग होगी ना तो ये अच्छे से साफ होगी। नहीं, राम लक्ष्मण और सीता एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, इन्हें अलग करने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम कुछ और कर लो, इसे मैं साफ कर दूंगी। अरे पीटी उषा की तरह क्यों भाग रहे हो? आपने सुमित्रा जी को सब बता दिया क्या? अब हाँ, कुछ बताना तो था, वो याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, अभी कह देता हूँ। सुमी चलो। क्या हो गया सबको? सबको एक साथ सोए थे ना, इसीलिए कोरस में दर्द हुआ। भैया समझता ही नहीं। अरे तू शादी कर रहा है? हाँ भैया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद दें। अरे क्यों, तू ऐसे समुद्र में कूदना चाहता जहाँ शार्क रहती हैं? मत कर। कोई बात नहीं भैया, मैं शार्क को अपनी दोस्त बना लूंगा। देख मेरी बात मान जा, चिंता मणि। हो नहीं सकता, आज से मैं सिर्फ अपनी होने वाली घरवाली की बात मानूंगा। शादी जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरी। भैया आप शादी में ना जरूर आना। अरे चिंता मणि संभाल के, और अकेले मत आना, सबको लेके आना। हे भोलेनाथ, इस भोले भंडारी की रक्षा करना। अरे भैया, ले भैया ये किस चीज के कागजात हैं? मार्केट में तेरे नाम की एक दुकान ली है, अब तो सिर्फ एक पति नहीं है, एक दुकान का मालिक भी है। भैया आप मुझ जैसे नौकर को इतना मान और सम्मान दिया, आप ही मेरे लिए भगवान हो भैया। मैं भगवान नहीं हूँ, काम भगवान है। याद रख, जिंदगी में तरक्की करने के लिए छोटे काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचना वो बुरा है। जब तक तुझमें ताकत है कमजोरों की मदद कर। जी भैया। स्वर्ग यही मिल जाएगा जी। जा। शुक्रिया भैया। भैया आपने उसको बताए बिना ही उसके लिए दुकान खरीद ली? मेरे बोलने से पहले ये मेरे काम कर दिया करता था, इसीलिए मैंने पहले बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आप अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं तो ईश्वर भी आपका ख्याल रखता है। यहाँ पर बदला, उसको यहाँ पर लगाया और इसको उधर कर दिया। अरे राजन का ऊपर बुलाया है। हाँ। शंभू हर साल की तरह इस साल भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए कलाकारों को बुलाया है कि नहीं? सब इंतजाम हो गया है। बेटी का फोन है। हाँ बोल बेटा। पापा परेशान तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, वो देवी का जागरण है ना, उसी की तैयारी चल रही है। पापा कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछूं? अच्छा अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? बोल बेटा क्या बात है? आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं टाली, तो क्या अभी जो मैं कहने वाली हूँ मेरी वो बात भी आप नहीं टालेंगे ना? दरअसल मैं यहाँ किसी से मिली हूँ,
और वो मुझे पसंद है। पापा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं। प्यार करने के लिए बाप की इजाजत मांगने वाली तू दुनिया की पहली लड़की होगी बेटा। उसे अपने साथ लेकर आ, मैं मिलूंगा। थैंक यू पापा। क्या भैया, हमें इतनी दूर लेके क्यों आए? कुछ बेल वेल करवानी है क्या? अरे मुझे लगा कि बेतुला से जो लड़ाई हुई उसके लिए किसी को बेल करवानी है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। और क्या? सुमित्रा ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूं। वो मैंने सोचा मैं बोलना पहले मैं बोलता हूँ। ठीक है, मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम भाई कब तक आप इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आपको जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला तो लेना ही होगा। भैया शादी की डेट फिक्स करके ही वापस आइए। हाँ भैया ठीक है, जाओ अब। चले जाएंगे, चले जाएंगे ना भैया। बाय भैया। अरे तुम लोग गाड़ी के साथ क्यों भाग रहे हो? कामिनी जल्दी जल्दी जल्दी। भैया भाभी के बाद ये आपके घर की होने वाली दूसरी बहू होगी। नमस्ते। अरे ये कब हुआ? पूजा भैया, और ये देखो ये मेरी वाली है। क्या तूने भी नेहा? आजा आजा आजा। हाय नमस्ते। भैया ये मेरी वाली है। अरे नेहा तुम भी? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये कर रहे थे? देखो ना इतने कम टाइम में नेहा को उससे प्यार भी हो गया। अच्छा तुम्हें नहीं हुआ? नमस्ते बेटी। ओह नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। ये मेरा बेटा है जो पहले जाति और धर्म को लेकर भेदभाव करता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने ही इसे अहिंसा और प्यार की भाषा सिखाकर इसे सही रास्ता दिखाया। वो बहुत महान है, आसपास के सारे इलाके में उनके जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति और कोई नहीं है। तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से इसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। जी। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान होंगे, तभी उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे। मेरे पापा का नाम श्रीनिवास ओडियार है। कई सालों पहले हमारे गांव में दो जातियों के बीच में धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते थे। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देते थे। ए, रुको, रुक जाओ। मेरे पापा ने उन सबको समझाया कि ये गलत है, और मेरे पापा की बात मानकर उन सब ने हथियार डाल दिए। छोटे छोटे मसलों को लेकर लोग पंचायत के पास नहीं बल्कि मेरे पापा के पास जाते थे। आसपास के गांव में मेरे पापा की बहुत इज्जत थी, लेकिन मेरा भाई श्रीकांत ओडियार, उसका स्वभाव मेरे पापा से बिल्कुल अलग था। श्रीकांत, गांव में शांति बनी रहे उसके लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, और तू चारों तरफ खून खराबा फैला रहा है। आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो पर इस गांव के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। वो लोग शांति की भाषा नहीं सिर्फ मार काट की भाषा समझते हैं। खून तो बहकर ही रहेगा। अरे क्या कह रहे हो, इस बिन माँ की बच्ची के अभी तुम ही सब कुछ हो, इसी के लिए सुधर जाओ। मेरे पापा और मेरे भाई के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते थे। एक दिन हमारे गांव में दंगे के दौरान किसी की मौत हो गई। मेरे पापा गांव वालों को समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक मेरा भाई हथियार लेकर निकल पड़ा। पापा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। सर
सरपंची, मौत की खबर आई। सरपंच जी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं रुक जाइए। जिस समय मेरे खिलाफ जाकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, तभी मेरे लिए मर चुका था। लाश को घर में मत लाइएगा, जला दीजिए आप सब मिलकर। जाइए, ले जाइए। सरपंच जी, वो आपका बेटा था, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको उनसे बदला लेना चाहिए। आपके एक इशारे पर हम उन्हें काट के रख देंगे। बहुत हो गया। और कितने बच्चों को अनाथ करने का इरादा है तुम लोगों का? हो सकता है कि मैं वो आखिरी बाप रहूं जिसने अपना बेटा खोया है, और वो आखिरी अनाथ बच्चा ये मासूम बच्ची हो सकती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सब लोग मेरे पापा को बहुत मानते हैं। उस दिन के बाद ना तो किसी ने हथियार उठाए और ना ही किसी का खून बहा। अगर सच कहूं तो तुम्हें पहली बार देखने पर ही मुझे लगा कि तुम तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही हो, जिसको हिंसा में यकीन नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी। सुमित्रा, उठो। पर क्यों? बाद में बताता हूँ। अरे पर बात क्या है? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे पर अचानक क्या हो गया? भैया, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम लोग अभी फौरन घर जाओ। अच्छा, आपको अपनी होने वाली बहुएं पसंद तो आई ना? अरे गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। क्या हुआ? लेकिन क्यों हुआ? क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलो। बस करो, बहुत हो चुका। प्लीज, ये क्या कर
कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। क्या मैं उसे सच मानूं या जो देख रही हूँ उसे सच मानूं? मुझे नहीं पता कि मेरे भाइयों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी गलत लगेगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उन सब कमीनों को सबक सिखाता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी है। शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये मेरा वादा है, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। भैया, भैया, भैया। सुमी। रोक। डॉक्टर। यस। कैसी है वो? वो अभी ठीक है, छोटी सी चोट लगी थी सर पर, बट शी विल बी फाइन सून। आप उसे शाम तक घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। भैया, अब भाभी कैसी हैं? परेशान मत, वो ठीक है। क्या बेतुल्ला तुम्हें मिला? नहीं भैया, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। फैक्ट्री, फार्म हाउस, राइस मिल, सब जगह ढूंढो उसे। भैया, उसकी फैक्ट्री में तो ताला लगा है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मिला क्या वो? अभी तक तो नहीं। भैया, भाभी ठीक है आप? क्या हुआ भैया? वो चली गई। तुम लोग खाना खा लेना, भूखे पेट मत सोना। भैया, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हम अब तक जो करते आए थे वो गलत था। जब तक हम लोग भैया के साथ हैं, वो अपने लिए नहीं सिर्फ हमारे लिए ही जीते रहेंगे। तो भाइयों, अब हमें भैया से कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोच सके। कहाँ जाओगे? वो पता नहीं, लेकिन आपसे दूर है। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं भैया, हम नहीं आएंगे। आपने कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और अब हम आपके दुख की वजह नहीं बन सकते। सच बताइए, क्या आप भाभी को भूल सकते हैं? अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम भी शादी नहीं करेंगे। तो क्या चाहते हो तुम? हमारी भाभी को घर ले आओ भैया। जब तुम लोग छोटे थे तो माँ कहाँ है, माँ कहाँ है कहकर परेशान करते थे, और मैं माँ कल आएगी या परसों आएगी कहकर तुम लोगों को मना लिया करता था। तुम लोग मान भी जाया करते थे। उसी तरह इसकी भी आदत पड़ जाएगी। चलो अब घर चलो। नहीं भैया, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। जब तक भाभी घर पे नहीं आ जाती, हम में से कोई भी नहीं आएगा। भैया, हमने हमारी माँ को तो नहीं देखा, पर सुमित्रा भाभी में हम सबको हमारी माँ नजर आती है। हमें तो वो बहुत पसंद है, और मैं जानता हूँ आपको भी। निहारिका, रुको बेटा, रुको रुको। मैं थक गई। देखा दादी, मैं जीत गई। आप मुझे नहीं पकड़ पाए। थक गए हो?
आओ मैं आपको कंधे पर उठाती हूँ, बहुत मजा आएगा। शैतान कहीं की। अरे बुआ, जब से आए हो मुंह करके मुंह फुला कर बैठे हो, आओ मेरे साथ खेलो ना, आओ ना। निहारिका बेटा, बुआ को परेशान मत करो, बाहर जाके खेलो जाओ। आप फ्री हो तो चलो खेलने के लिए। सुम्मी, अपनी जिंदगी में मुझे बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, पर कभी किसी को मैंने धोखा नहीं दिया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद को ठीक वैसे ही बदल दूंगा जैसा तुम चाहती हो। अब मुझे अपनाओ या नहीं, ये तुम पर छोड़ता हूं। आप कौन? ओ गजेंद्र। नमस्कार। नमस्कार। क्या बेटा, इन्हें इस तरह बाहर खड़ा कर दिया? आइए अंदर आ जाइए। आप लोग पहुंचिए, मैं बात करता हूं। अच्छा ठीक, आइए आप लोग, आइए ना। सुमित्रा ने बताया था कि आप लोग आने वाले हो। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। थैंक यू। गायत्री। दादा दादा, मुझे आपका मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो है ना फोन। फिर भी मुझे आपका चाहिए, मेरे मोबाइल में गेम्स नहीं है। हाँ आइए माँ। ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी पत्नी गायत्री जी। नमस्ते। ये मेरी भाभी, ये उनकी बेटी। आपको भी। माँ, सुमित जिनका जिक्र कर रही थी ना, यही वो गजेंद्र है। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। परम कहाँ रह गया भाभी जी? वो अंदर तैयार हो रहे हैं। अरे परमेश्वर, परमेश्वर की मूछ और भैंस की पूछ, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। आमी खुदेर फेवरेट। उड़ी बाबा, दूध गिर गया। अरे इसने तो ये क्या किया? ओए बोका लोग, तुम्हारे दूध के चक्कर में अमार शर्ट ब्लू एंड व्हाइट हो गया। पीछे हॉट हॉट। दादा की होलो बोलो। ये हमारे चाचा के बेटे परमेश्वर ओडियार है, हमारे यहाँ उत्सव में आए। जरूरत नहीं आए, तुम कुछ भी कर लो, हमसे ऊंचा नहीं हो पाएगा। आदमी का पहचान उसके कद से नहीं, उसका अकल से होता है। श्रीनिवास जी, हम चलते हैं अब। अरे हम तुम्हें इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने देंगे, कुछ दिन उत्सव का आनंद उठाइए, कल से हमारा त्योहार शुरू हो रहा है, आप भी शामिल होइए। नहीं अब चलते हैं, हम फिर कभी। कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है भैया। चार पांच दिन की तो बात है, रुक जाओ। बिल्कुल सही कहा गायत्री, खाना लगवा दो जी। परम दादा, इनके रहने का इंतजाम करो। हमारे दादा ने तुम्हारा स्वागत किया है, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को रहने के लिए जगह दी है, किंतु परंतु हमको बेवकूफ मत समझना। हमारा खानदान मीडिया ने क्या आए? हमारा खानदान बहुत ही खतरनाक है, संभल के। अरे रे रे रे, तू है मेरा दिल का टुकड़ा, पहले आमी था बहुत ही सुखड़ा, अब किसे जाके सुनाएगा आमी ये दुखड़ा। जीवन में हो गम तो पी लो। ए, कौन है बे? अमर डिस्टर्ब करता है। ए, आमी सड़क के बीच बैठ के अपनी महबूबा से दिल लगा रहा है हाँ? और तुम कबाब में हड्डी बनता है। हमारा गर्लफ्रेंड आमी को हॉक करने ही वाला था, लेकिन तुमको देख के वो भाग गया। अब हम तुमको धोएगा, मारेगा, काटेगा। ए, कम आउट, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। डर गया डर गया। गाड़ी का शीशा बहुत गंदा है। लो हो गया साफ। अभी आमी तुम्हारे कितना फायदा किया है देखा? हमरा इलाके में जितना भी गाड़ी गंदा होता है आमी थूक के साफ करता है, इसीलिए इस इलाके का सारा आदमी हमको झुक के सलाम करता है। तुम भी सलाम करो, ठोको। अरे ये क्या करता है, हम बोला ताली ठोको, हमको मत ठोको, रोको। हमको लगता है कि आमी तुमसे कहीं जरूर मिला है। नहीं मिले। आमी पक्का कह रहा है मिला है। मुझे याद नहीं आ रहा। झूठा। लेफ्ट साइड मुड़ो, अब राइट साइड मुड़ो, अब आगे झुको,
अरे झुको नहीं, रुको रुको। शक्ति, हमको याद आया, पिछली बार तुम्हारा और हमारा कुछ कुछ हुआ था, याद मतलब? आया। अरे मतलब पिछली बार तुम हमारा पीठ पर हमको मसाज दिया और हम मना किया, लेकिन तुम मसाज देता ही जा रहा था, देता ही जा रहा था। कुछ याद आया तुम्हें? नहीं नहीं याद आया। ओके, तुम भी याद करो और हम भी याद करेगा। वैसे तुम्हारा रूम वहां है, जाओ जाओ। उसको क्या लगता है हम सब भूल जाएगा? नहीं भूलेगा यही। जिस दिन भी इसको सब कुछ याद आएगा, ये शंकर दादा उससे बदला जरूर लेगा। यही मुझसे पंगा लेके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सोचने की गलती मत करना कि तू बच गया है। अंकल, आपको लॉक एंड की खेलना आता है? लगोरी खेलना आता है? तो आप बचपन में क्या करते थे? काम करता था। निहारिका, तुम्हें बुआ बुला रही है, चलो जाओ। सुमित्रा देवी की मंजूरी के बिना ये शादी नहीं हो सकती, समझे ना? मंजूरी नहीं होती तो हम यहाँ आते ही क्यों? उस सुमित्रा की बात नहीं कर रही हूँ, इस सुमित्रा देवी की बात कर रही हूँ। माँ, बस हो गई आपकी मजाक मस्ती, खाना तैयार है, आ जाओ। आ हा हा, दादा देखा, ये ऐसा अंदर आ रहा है जैसा कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा हो। ताड़ा ताड़ी बैठो। ए परमेश्वर। दादा, उस तरफ कहीं बैठ जाओ। क्यों दादा, क्या मैं आपके सामने बैठकर ये लड्डू भी नहीं खा सकता है? ए चुकाओ वो कर। ठीक है दादा, नया लोग आया और दादा हमको भूल गया। ए रुक जाओ, ए पकड़ो, वापस करो, वापस मत करो, वापस मत करो, वापस। कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारा हाथ में कुछ थेरेपी है, पता लगाएगा, हमको घूरेगा तो परेशानी हो जाएगा। सुमी, हाँ ये लो, सबको परोस दो। ठीक है। और दे दो। क्या कर रही है? सुमी, हाँ? उन्हें अच्छे से खिलाना। हाँ गजेंद्र बेटा, इसे अपना ही घर समझो, खाने में संकोच मत करना, आराम से खाना। जी ठीक है। अंकल, बुआ को घूर के हो गया तो मेरी बात सुनिए, आपने कभी बचपन में पकड़म पकड़ाई खेला है? वो तो अब भी खेलता हूँ। तो क्या सुबह मेरे साथ खेलोगे? हमारे यहाँ ये रोज का नियम है, हम इसी तरह एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई नियम है? सड़क छाप लोग, दो पैसा का रिंगटोन, हमारा दादा सठिया गया है, कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहा है, हम इनको अपना दामाद भी नहीं बनाता। अच्छा है हमारा बेटी इन सबसे बहुत दूर है। तुम बीएससी केमिस्ट्री पढ़ती हो ना? ओ, तो क्या तुम भी उसी कॉलेज में हो? और हम यहाँ का प्रिंसिपल है। पापा आपको पता है हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पर आज तक हम लोग कभी मिले नहीं। अगर तुम वहाँ नहीं मिला तो यहाँ भी मिलने का कोई जरूरत नहीं है। ए, तुम वहाँ कहाँ बैठा है, इधर चलो। नाउ एक्सचेंज योर पोजीशंस। ए, चुपचाप बैठ के लड्डू खाओ और हमारा बेटी को घूरना बंद करो। ए, तुम क्या घूर रहा है, खाना खाओ तुम भी। धीरे खाओ बेटा। तीखा था ना, थोड़ा सा पानी पी लो। थैंक्स सुमित्रा,
ऐसा प्यार, ऐसा परिवार, ऐसा अपनापन हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे परिवार को मिलने के बाद मुझे लगने लगा कि आदमी परिवार के साथ भी खुश रह सकता है। तुम्हारे लिए अपने आप को बदलना, यहाँ के रहना मेरे लिए अच्छा ही रहा। अब तुम जैसा चाहो, परिवार जैसा चाहे, मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। बाकी तुम्हारे ऊपर है। दाढ़ी में तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर तुम्हारा ये लुक भी मुझे बहुत पसंद है। चेरी तो भूत की तरह पीछे ही पड़ गया, पीछा छुड़ाने के लिए ताबीज पहनना पड़ेगा मुझे। बेटा तेरे ताबीज पे तो मैं काबिज हूँ। मतलब गुदगुदी तू कर रहा था? उठो उठो उठो, देखो देखो चली आ चली। अरे अरे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या रे, मैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो मुझे घूंघट के अंदर छुपा के धीरे धीरे बोल रहा है। जोर से बोलना। ए, पहले बता यहाँ क्यों आया? बेटा तुम लोगों ने अपने गोद में लिए हुए भाई को मट्टी में खोद के यहाँ पर मजे लेने चले आए। सालों अगर वापस गोद में मुझे नहीं लिया ना तो सारे पोल खोल दूंगा। इसको चुप कराओ ना यार। जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। कहीं चद्दर में ये लोग गिल्ली डंडा तो नहीं खेल रहा है? कहीं मिल के चद्दर न फाड़ दे। तुम क्या कर रहा है? आराम से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे रुक जाओ आए दादा, ये चल बिना रुको, हम चद्दर को फाड़ के रुमाल कर देगा। नया लड़का कौन है? हमको तुम्हारा चाल चलन पर पहले ही से ही शक था। एक लड़का होके लड़का के लिए लड़ रहा है। हम लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे, इसके साथ लड़ रहे थे। लेकिन किंतु परंतु क्यों? अरे सर हम ऐसे ही लड़ते हैं, ये हमारा दोस्त है। ए, तुम्हारा दोस्त यहाँ अचानक से क्यों टपक पड़ा? ये ना रात में हमारे बिना सो नहीं सकता। पूरा जनरेशन खराब हो गया। अरे थोड़ा कंट्रोल करो। छी छी छी, कौन है ये? अंकल ये हमारा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है ये? हाँ। तो इसे भी उत्सव में लेकर आना, ठीक है? जी मैं जरूर आऊंगा। भैया अरे कैसी हो? आपने तो उत्सव मेरे आने से पहले ही शुरू कर दिया। अरे बहना, मेरे लिए एक तरफ ये देवी हैं और दूसरी तरफ तुम हो। और दामाद जी कैसे हैं आप? अच्छा हुआ। वो तो आना नहीं चाहते थे, मैं उन्हें खींच के लाई हूँ। आज मजा आया। मुझे नारियल पानी पीना है। हाँ एक मिनट, गाड़ी रोकना। थैंक यू। अब ठीक से पकड़ना। हाँ अरे जरा रोकना। अरे माँ यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? नारियल पानी पीने बेटा। ठीक है, नारियल पानी पी के जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है चलो। हाँ बेटा, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा ना तभी हम लोग रेस में फर्स्ट आ पाएंगे। आप कस के पकड़ के बैठो। ओह मजा आएगा। भगा! ओवरटेक कर! Ah!
मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार मुझे उकसाने में लगे हो। यहाँ तक पीछा क्यों किया? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, बल्कि श्रीनिवास और उसके परिवार को यहाँ मारने के लिए भेजा गया हूँ। उस दिन भी मैंने श्रीनिवास की बेटी को मारने की कोशिश की थी। अरे अरे छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, ट्रेन आ रही है भाई। तुझे किसने भेजा है? वो नरसिम्हा, उस नरसिम्हा ने मुझे इस काम के लिए सुपारी दी थी। वो इस वक्त जेल में है, उसने वहीं से मुझे ऑर्डर दिया था। मैंने तुम्हें सच बता दिया, मुझे छोड़ दो। नरसिम्हा, तुम्हें मिलने के लिए कोई आया है? कौन है तू? ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर भी अगर तूने श्रीनिवास और उसके परिवार की तरफ देखा भी तो तुम्हें जानने के लिए मैं वहां मौजूद रहूंगा, पर मुझे जानने के लिए तुम नहीं बचोगे। जब उनको मारने की मेरी दो कोशिशें नाकाम हो गईं, तभी मैं समझ गया था कि उसके परिवार को कोई ताकतवर इंसान बचा रहा है। तुम्हारी उस परिवार से जो भी दुश्मनी रही हो वो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसी वक्त से तुम उस परिवार को भूल जाओ। भूल जाऊं मैं? तुमने औरत, दौलत, शोहरत के लिए बहुत से लोगों को तड़पते हुए देखा होगा, लेकिन मैं उस परिवार की बर्बादी के लिए जिंदा हूं। उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। चुनौती है मेरी। अरे ये खबर पड़ी, हमारे पड़ोसी गांव में बम धमाका हुआ है। ओह बहुत बुरा। अरे बाप रे। इसीलिए इस साल हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। उत्सव का सारा पैसा जमा करके हमें उन गांव वालों को देना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। और हाथ जोड़कर कहता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। अरे डरिए मत, ले लीजिए। नहीं सरपंच साहब, अगर उन कमीनों को पता चला कि आपने हमारी मदद की है वो आपको भी मार देंगे। आप चले जाइए यहाँ से। हुआ क्या बहन, बताओ मुझे। अभी हम यहाँ जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उन बाप और बेटे की दहशत से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। साइन कर। नहीं करूंगा। सरकार मुझे लोगों की सेवा करने के लिए पैसा देती है, तुम जैसे गुंडों की जी हुजूरी करने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? हटो सामने से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं सरकारी आदमी हूँ, एक एक को जेल पहुंचा दूंगा। छोड़ो मुझे। मालिक मुझ पर दया कीजिए, मालिक मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मालिक साइन करो। नहीं, उसने ये सब इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए किया। सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं, उस पापी ने हमारी सबकी जिंदगियों में आग लगा दी। सब बर्बाद हो गया। इतना सब हो गया तो आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं करेंगे ये लोग, नहीं करेंगे। इनके पास हिम्मत ही नहीं उसके खिलाफ जाने की। अगर एक आदमी ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट की होती फिर मैं बाप बेटे को दिखाता कि कानून क्या होता है। कंप्लेंट मैं करूंगा। आप इस चक्कर में मत पड़िए, वो बाप बेटे आपको भी मार देंगे। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं, अगर लोगों की भलाई के लिए मेरी जान जाती भी है तो जाने दीजिए। इस गांव से इनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी जान की परवाह न करते हुए ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जबकि तुम लोगों में से किसी एक को आगे आना चाहिए था।
मैं करूंगी इंस्पेक्टर साहब। मेरे पति को मार डाला, उस कमीने ने मेरे बेटी की बेइज्जत लूट ली, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बताइए साहब, मुझे क्या करना होगा बताइए। बाबा हमारे पास सब है, बस पोजीशन नहीं है। बाबा नॉमिनेशन पर साइन मार डालो आप। आजा आजा, अभी जीतेंगे। जो वोट नहीं देगा उसके हाथ काट डालूंगा मैं, देखता हूँ कैसे नहीं जीतते। रुक जाओ दुर्गा प्रसाद, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट साथ लाया हूँ। गवाह कौन है? सिर्फ एक नहीं है, पूरा का पूरा गांव है। हेलो मालिक, पूरे गांव वालों ने दारू की फैक्ट्री पे हमला बोल दिया है। बॉस, इनकम टैक्स वालों ने आपकी सारी प्रॉपर्टीज पर रेड डाली है और बैंक अकाउंट जब्त कर दिए हैं। बाप बेटे की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, अब चल सीधे थाने, तेरे और तेरे बेटे की सारी गर्मी निकालता हूँ। धरती पर बहुत बड़ा बोझ है, ले जाओ इसे और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। इसे तो बंदूक दे दो, हम सबकी हाय लगेगी। पापी है। इसे तो छूना भी पाप है। तू बाबा, मैं सब ठीक कर दूंगा बाबा, बाबा सब ठीक हो जाएगा बाबा, बाबा। अगर किसी ने मेरे बाबा की हत्या की होती तो भी मैं अपने दिल को मना लेता, लेकिन बेइज्जती की वजह से उन्होंने मेरे सामने अपनी जान दे दी। उनके शरीर के टुकड़े मैंने सड़क पर बिखरे हुए देखे थे। बाबा की बेइज्जती और उनकी मौत के जिम्मेदार श्रीनिवास और उसके परिवार को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस परिवार के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको काट डालूंगा मैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? 300 पुलिस, 30 गार्ड, 3 इंस्पेक्टर्स और 1 जेलर है यहाँ। तू चाहे कितने भी कड़े पहरे में क्यों ना हो, मुझसे तू नहीं बच पाएगा। उनको मारने की सुपारी मैंने 4 गैंग को दी है। ये उत्सव खत्म होने से पहले पहले सब के सब काट डाले जाएंगे। मुझे खुद नहीं मालूम कि कौन सा गैंग उन्हें मार देगा। ए, मुझे थोड़े दिन में फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, पर उसके पहले वडियार परिवार का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उन हथियारों से कौन उसके परिवार को बचाएगा? बोल, है किसी में हिम्मत? मैं बचाऊंगा गजेंद्र। अब उस परिवार को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुझ में दम है तो उन्हें हाथ लगा के दिखा, उखाड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हो भैया, इस परिवार पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात उन्हें बता देनी चाहिए। कैसे बताएं? जरा देखो तो उस हरे भरे परिवार को। काफी अच्छा इंतजाम है। वो लोग कितने खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है जीवन में। कैसे छीन लूं उनसे ये खुशी? इन्हें पता ही नहीं है कि दुश्मन ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो पूरी तरह तैयार है। अगर उन्हें जरा सा भी मौका मिल गया तो वो इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम सब मिलके उनके दुश्मन को उनके आसपास फटकने नहीं देंगे। मैं भी हैरान था कि भगवान ने हमें आखिर ऐसे परिवार से क्यों मिलाया जो इतना दयालु है, लेकिन अब जवाब मिल गया। मूर्तियां भी बहुत सुंदर है। इस परिवार के लिए हमें वो हथियार फिर से उठाने होंगे
जो हमने इसी परिवार के लिए दफना दिए थे। ये उत्सव 4 दिन चलेगा। पता नहीं कौन कब किस तरफ से हमला कर बैठे। चौकन्ने रहना। गजेंद्र, तुम वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। जी माँ। सॉरी। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आ गए हैं ना, तो अब चला जाए। निहारिका कहाँ है? अभी तो यही खेल रही थी। इतनी भीड़ में उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया, किसी को फिक्र नहीं हुई? अरे माँ, यही खेल रही होगी, आ जाएगी, चिंता मत करो। अरे यही कहीं होगी, मिल जाएगी। निहारिका, निहारिका, अरे हाय अंकल। बेटा, तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती थी ना? तो चलो आज खेलते हैं। ओके अंकल। तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं, तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। तुम्हें दिखाई दिए? हाँ दिखे। वो सब मेरे दोस्त हैं और तुम्हें उनसे तेज भागना है। ओके। हे, चलो जल्दी करो। अंकल, इस गेम से बोर हो गई, कुछ और खेलते हैं। नया खेल खेलते हैं, तुम तैयार हो ना? क्या खेलेंगे? छुपम छुपाई खेलेंगे। अपनी आंखें बंद करो, 8 की गिनती तक ये सारे अंकल गायब हो जाएंगे। ओके। ये लो, आ गई हमारी गुड़िया। अंकल, अंकल, क्या वो 8 अंकल छुप गए? ये किसकी बात कर रही? वो अपने कुछ काम वाले थे, वो मुझसे शमशान का रास्ता पूछ रहे थे, मैंने उन्हें पहुंचा दिया। उन्हें नारायण मंदिर की तरफ से जाने के लिए कहना था ना, वो शॉर्टकट था। दरअसल मैंने उन्हें अपना रास्ता दिखा दिया, अब तक तो पहुँच भी चुके होंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो, वहाँ निहारिका को लेकर वहाँ पो मचा हुआ है। चलो चलते हैं। निहारिका, अरे बेटा तू कहाँ चली गई थी? ऐसे भीड़ में कोई हाथ छोड़ के जाता है? पर ये थी कहाँ? यहीं बाग में खेल रही थी। अरे तुम्हारे हाथ में खून? ये कैसे लगा? कितना खून बह रहा है? अरे जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ। अरे ला, जल्दी से पानी डाल उस पर, साफ कर अच्छे से। दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हो जाएगा। इतना सचोट और इतना बड़ा नाटक, हाँ खामोश, ये चल बिना।
अब आई परमेश्वर इनको ईश्वर दिखाएगा। आई दादा, अगर हमरा रहते ये जीत गया तो हमरा यहाँ होने का फायदा क्या है? अब हम इनको मजा चखाएगा। फॉलो मी, वेरी गुड बॉय। हाँ तो चश्मे वाले काले तरबूज हमें इस गोदाम में लेकर क्यों आ गए भाई? बताता है, हमरा दादा घर पे नहीं आए, तुम्हारा दादा घर पे नहीं आए, हमारा पास बहुत सारा टाइम है। आमी टाइम वेस्ट करबो ना, जॉम के पार्टी करेगा, जॉम के पार्टी करेगा। अगर हमारे साथ यह रह के ग्लास से ग्लास बजाएगा तो तेरी बीवी कमरे में झुनझुना बजाएगी। तुम बिल्कुल ठीक बोला। चलो झुनझुना की आवाज सुन के आते हैं। सुनो, झुनझुना देखने का कोई फायदा नहीं है, हमारे पास टुना है। ऐ तुम लोग कहाँ डरता है? ये बॉम नहीं है, बॉटल है। इसी बात का तो डर है भाई, अगर हम लोग असलियत में आ गए तो गड़बड़। अरे बोका, हम ये तो चाहता हूँ। अरे हम चाहता हूँ कि तुम रात भर जम के रम पियो, बाकी मैं संभाल लेगा। तुम बोतल खत्म करो, हम चखना लाएगा। भाई साहब, हम बिना किसी वजह के पीते नहीं। अरे वजह चाहिए ना तुमको? हम देगा कौन? आज ही के दिन हमारा माँ बाप खुश हुआ था, बर्थडे है हमारा। इस धरती के बोझ के पैदा होने पे इतनी खुशी हो रही है। आई क्या बोला तुम? हैप्पी बर्थडे टू यू एंड दिस बॉटल फॉर यू। दादा तुम्हें कुथाए? मैं यहाँ मंदिर में हूँ, क्या हुआ? आप घर कब तक पहुंचेगा दादा? बस थोड़ी देर में। Where's the party tonight? Here's the party tonight. पार्टी से पहले ही तुम लोग बोतल खत्म कर दिया। बर्थडे हमारा है, हमारा कहा है? हम कहाँ जाता है? सोना भी कोई काम है क्या? अभी राज जवान है और तुम हमारा मेहमान है, नया बोतल आएगा। तेरी शक्ल मूड खराब कर रही है, कुछ ठुमका वुमका दिखा तो मजा आए। ठुमका? अरे हम तुमको उससे भी बढ़िया आइडिया देता है, किसी के घर में फोन करके हम एक दूसरे के बारे में चुगली करेंगे। हमें अपने जैसा समझाएगा? फिर क्या करेगा? सिनेमा शूटिंग, सिनेमा। आज हम खेलेगा सिनेमा सिनेमा और हम रहेगा हीरो। क्या बात है! और तुम सब क्या बनेगा? सीन होगा, आई एम रेडी, फाइट। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। अकेले अकेले नहीं मारना है, हम हीरो है, एक साथ मारो। तो देख क्या रहा है, एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो? हम भी मर गया, हम आके बचा। ये तरबूज किधर लोड़ा गया? दादा कहाँ तक पहुँचा? अभी यही हूँ। आई दादा, तड़ातड़ी आओ ना, आज टीवी पर गोल्ड माइंस का फिल्म आने वाला है, हम पूरा परिवार एक साथ देखेगा। ये देखो सर, इधर लोढ़क के बैठे हैं। अरे हम विलन लोग हैं, हमारे पास बजट ज्यादा है, आप आओ ना, हम भर पेट पीटेंगे। अरे बस 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 बस, अरे डायरेक्टर साहब हम ये और नहीं कर सकता, हमारा बॉडी में दर्द है। देख तरबूजा गल के खरबूजा हो गया, एनर्जी डाल। चल दिलाएगा फल। ये देखो हमारा तरबूजा रिटर्न्स आ गया। हाँ भाई, अब पटने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा बॉडी में बहुत दर्द है, मारेगा तो चार टुकड़ा हो जाएगा। हम हीरो नहीं है, हम हीरो नहीं है, हम हीरोइन बनेगा। क्या हीरोइन? हाँ ओके, हीरोइन रेडी है जी। हीरोइन छत्ती? पर मुझे तो तुम्हारे रंग ढंग से एक भी अंग औरतों जैसा नहीं दिख रहा है। अंग को छोड़ो, हम तुमको कुछ ऐसा दिखाएगा कि तुम दंग हो जाएगा। थकर दिता, ताता दिता, ताता दिता, धरके दिता। कुछ मूड बना क्या? मजा आया क्या? नहीं 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 यार, इसमें तो चवन्नी फेंकड़ रहा है। अरे मत जाओ, तुम कुछ और बोलेगा तो हम वो भी करेगा। देखो हम तुमको डांस करके दिखाता है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, तुम हीरोइन बन जाओ, तुम हीरो हो गए। डायरेक्टर साहब की गड़बड़ हो गया। इस सीन में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ। हमारा पापा वो यहाँ हीरो के साथ जंगल में झिंगी लाला कर रही है, हमारे खानदान की इज्जत की वाट लगा रही है, इतने गंदी शक्ल की नुमाइश करेगी। पापा यही हमारा प्यार है, हमारा जीवन है, हमारा संगीत है, हमारा मनमीत है। पापा तुम कौन है? मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा पति हूँ, मुझे भूल गई। पापा एक बात बताओ, हमारा शादी कब करवाया? जब तेरे सड़ने की उम्र हो गई थी तब करवाई थी बेटी। जानू जानू, अब तुम कौन है? तुम मुझे भूल गई? हाँ।
याद है खेत में मैंने तुम्हें झप्पी दी थी, उसके बदले तुमने मुझे पप्पी दी थी, और उसके बाद हमारा छोटा सा पप्पू भी हुआ था। ये सब कैसे भूल गई तुम? मम्मी 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 भूख लगी है, दूध पिलाओ ना। हमारा इतना बड़ा बच्चा अभी तक दूध पीता है, पापा जी इसका कुछ करो ना। मेरा सुना बाबू, मेरा बलमा, तुम हमको काहे मारता है? तेरा एक पति है, बच्चा भी है, और तू मेरे साथ यहाँ पे गाने गा रही है। सड़े हुए तरबूज को मैं अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। ऐसी बच्चला लड़की का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं विधवा बाप कहलाऊं। दादा 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 जरा तड़तड़ी करके अंदर चलो, इस अबला के घर में लोग तबला बजा रहा है और सब आपकी वजह से। दादा चलो। ए परम चिल्ला मत और बता क्या हुआ। गजेंद्र का भाई बंधु इस घर में आके राहु केतु बन के बैठ गया है, घर को अपवित्र कर दिया है। ए बोका लोग दारू पिया है, मना करने के बावजूद आपका इज्जत नहीं करता है। दादा आए इधर आओ, हमारे दादा को तारा तारी करके सच बताओ। चुप कर, एकदम चुप। तुझे हो क्या गया? अरे माई ये औरतों के कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है? अब फंसा तुम लोग, क्यों फंस गए ना? अब दादा को अपना मुंह सुंघाओ जल्दी। क्या किया तुम लोगों ने? झूठ बोलता है तो क्या दारू हमने पिया है? आए दादा इनका मुंह खुलवाओ, सब फंसेगा। हम समझे नहीं क्या? नहीं समझा? ऐसा कुकुर की तरह सांस निकालो। तुमने भी रखी है ना, तुमने शराब पी है ना? हमी नहीं दादा, की बोल चीज, अगर हम झूठ बोलेगा तो हमारा पति यही यही मर जाएगा। ये खानदान का नाम खराब कर जंगली कहीं का। दादा आधा दादा हमें नहीं पिया दादा। अरे दादा सुनो तो। हेलो दादा, किसी बड़े आदमी ने सही कहा है कि 90 पी आदमी का भरोसा कर लो, लेकिन 90 पहने मर्द का बिल्कुल नहीं। अच्छा मतलब पिया तुम लोगों ने और बस 90 से आ रहा है। और अंकल आपको याद है हमने पानी पिलाया था? वो वाटर नहीं था। तो क्या था? वाटर था। गजेंद्र, कल हम देवी की पूजा करने वाले हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाएगी, तुम जरूर आना, ठीक है? जी जरूर आऊंगा। गायत्री हाँ? मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। तो अभी लाई। अरे माँ हाँ? बारिश हो रही है, छत पे क्यों जा रहे हो? अरे छत पे कपड़े सूख रहे ना, गीले हो जाएंगे, वही लेने आई हूँ, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। दादा दादा सबके घर पे लाइट है, सिर्फ हमारे घर पर ही लाइट नहीं है। अच्छा ऐसा है, ठीक है देखता हूँ। तुम और कितने लोग हो यहाँ पर? बाकी के लोग कहाँ छिपे हैं बता। मैंने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, और मैंने तुमसे आने के लिए कहा था, सभी उपस्थित थे सिवाय तुम्हारे। माफी चाहता हूं, एक जरूरी काम निपटाना था। ईश्वर की आराधना से जरूरी और क्या हो सकता है। इतने दिनों से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर ये अचानक से क्या हो गया? तुम्हें आज टाइम पे आ जाना चाहिए था, पापा को नाराज करके अच्छा नहीं किया।
पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मुझसे वादा करो प्लीज कि कोई गलत काम नहीं करोगे। की होलो दादा, आमरा दादा ने तुम्हारा भाई का ढोल बजा दिया तो तुम्हारा भी फट गया है चेहरा। अब जल्दी 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 अपने कपड़े पैक करो और बना लो गठरी। उसे दो के स्त्री करेगा। हंसलो हंसलो, रस्सी जल गया लेकिन बॉल बिल्कुल नहीं गया। हम तुमको अपना असली चेहरा दिखाएगा तो तुम जल जाएगा। लेकिन तू जो अभी दिखा रहा ना उससे बदबू आ रही है, निकल। अभी तो हमारा दादा तुम्हारा भाई का इज्जत उतारा है, हम बहुत कुछ उतार देगा। अभी हम तुमको शेर की तरह भगा भगा के काटेगा, दौड़ा दौड़ा के काटेगा, उछाल उछाल के काटेगा। कुत्ते काटते हैं बेटा, शेर नहीं। हम मात्र शेर नहीं है, हम गब्बर शेर है, गब्बर शेर। तुम बुझे ना, हम तुमको काट डालेगा, हार डालेगा, चीर डालेगा, उछाल उछाल के मारेगा, पका पका के खाएगा। अंकल अंकल प्लीज, दो फैमिली को मिलाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा अमीर फैमिली तुम्हारा गरीब लोगों का फैमिली से बहुत ऊंचा है। हमारा पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, माँ है, और हमारा दादा हजारों करोड़ों लोगों को रोज रोज खाना खिलाता था। वो होटल के डिलीवरी बॉय थे। देखा हमारा आवाज का पावर, वो दो लेडी कैसे भाग गया हमारा आवाज सुन के। तुम्हारा औकात क्या है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारा अंडरवेयर भी लंदन से ड्राई क्लीन होकर आता है। तेरी इज्जत दिख रही है। है बुका, तू बहुत बोलता है, एक घुसा पड़ेगा ना तो सारा घुसा निकल जाएगा। देखा ये लोग भी भाग गया हमारा आवाज सुन के, वो लेडीज लोग वहाँ गिरा, और हमारा दहाड़ सुन के वो आदमी लोग वहाँ भाग गया। देखा हमारा दहाड़ का पावर। वो लोग तुम्हारे ऊपर के दहाड़ को देख के नहीं भागे, तुम्हारे नीचे के बाहर को देख के भागे। क्या मतबल है? जरा नीचे देखो। हम तो लुंगी पहना था, किधर गया लुंगी? हमको किचू पहना है। कैसी लुच्चा फैमिली है तेरी, लुंगी के नीचे कच्छा पहनना नहीं सिखाया तेरे को? और ये कुत्ता लोग भी भौंक रहा है, हमको काटेगा, 1400 लगेगा। हेलो ए सुन, तेरे पति ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और छुप रहा था, आज मैंने उसे उठा लिया है। अगर तू चाहती है कि वो तेरे पास जिंदा वापस लौटे ना, तो पूरे 10 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जा। हे भगवान, जल्दी कर। 10 लाख? हाँ। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? मेरे पति को कुछ मत करना। क्या करूँ मैं? क्या हुआ बे? तुम रो क्यों रही हो? क्या कहूँ आपसे, मेरे पति ने बिजनेस के लिए बहुत बड़ा कर्जा उठाया था, प्रॉपर्टी बेच के भी कर्जा नहीं चुका पाए, लेनदार पीछे पड़े थे इसलिए भाग के हम यहाँ आ गए, पर लेनदार को पता चल गया हम कहाँ हैं और उन्हें किडनैप कर लिया। अगर उन्हें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो भैया वो लोग उन्हें जान से मार देंगे। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, उसे पैसे मैं दे दूंगा। वैसे वो है कौन? ये रहे पैसे, जितना मांगा था उतना ले आया हूं। मेरे जीजा जी कहाँ है? रामचंद्र मरा नहीं है अब तक, बस बेहोश हो गया है। पहले पैसे हाथ में दे। ए, खोल दे इसके जीजे को। गजा के डर से मैंने वो गांव छोड़ा था, पर अब लगता है ये धंधा मेरे जीवन में बहुत पैसा लेकर आएगा। वहाँ एक झटके में 10 लाख। ए, रुक जाओ, अभी मत खोलना। अब क्या हुआ? जितना कहा था उतना ले आया ना? पूरे पैसे कहाँ मिले? देख मेरे भाई, अगर तूने आधे घंटे में 10 लाख रुपए खड़े कर दिए हैं, तो तू वाकई बहुत बड़ी पार्टी होगी। अब एक काम कर, 1 घंटे के अंदर अंदर तू इस 10 लाख में और 10 जोड़कर आ जा। बेतुल्ला, हमारा दादा को धमकी देने से पहले सोचना चाहिए कि उसका रखवाला कौन है। उनका बॉडी टच करने से पहले तुमको हमारा बॉडी टच करना पड़ेगा। जब तक हम अपना मूछों को ताव लगाता है, उससे पहले तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। अगर हम अपना मूछ को ताव लगा दिया बोका, तो हम तुम्हारा चीता यहीं बिछा देगा, बुझा? परमेश्वर। आ,
दादा ये लोग हमरा गर्दन काट देगा। चल। अरे जा ना बेटा जा, टाइम कम है जल्दी जा। हाँ, तुम यहाँ कैसे? आप परेशान दिखे तो मैं आपके पीछे चला। अरे छोड़ो, ये सही लोग नहीं है, बड़े खतरनाक है। चलो चलते हैं। एक बार मैं उनसे बात करके देखूं। बेटा मैं कह रहा हूँ ये सुनने वाला नहीं। चलो अरे एक मिनट अंकल, हमारे भैया बहुत टैलेंटेड है, एक बार ये किसी से प्यार से कह देना तो किसी का बाप मना नहीं कर सकता है, सब इनके दीवाने हो जाते हैं। एक नमूना तो पेश करने दीजिए ना। आप रुकिए, मैं उन्हें अपनी भाषा में समझाता हूं। गजेंद्र सुनो, अगर ये तेरे दोनों हाथ पकड़कर तुझे जोर से लात मारूं तो तेरे हाथ तो मेरे पास रह जाएंगे, पर तेरा जो ये मोटा शरीर है सोच कहां जाके गिरेगा। आई दादा, हमको मत मारो। अब जाके याद आया कि ई हमको ओई दिन क्या दिया। अरे सुनो, गजेंद्र ने उसके हाथ क्यों पकड़े हैं? वो कह रहे हैं कि गांधी जी कह के गए हैं कि अहिंसा ही सब कुछ है, हिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता है। यही परम ज्ञान वो उन्हें अपने हृदय से दे रहे हैं। भैया का स्वभाव बहुत शांत है ना। तुझे अपनी माँ का पिलाया हुआ दूध याद है या नहीं, पर तू मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। जब एक हाथ पड़ेगा तो सीने की हड्डी चूर चूर हो जाएगी। अब भैया कह रहे हैं कि अबे ओ बैतुल्ला, तेरा जो दिल है ना वो इंसान का नहीं है। दिमाग है या कैची अंकल, मतलब कितने तेज हैं आप, कितनी जल्दी आपने कैच कर लिया। सोच अगर तेरी इन टांगों के मैं चार टुकड़े कर दूं, चेयर पर बैठे बैठे ही तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, मेरा मतलब है व्हील चेयर पर। और इसे क्या हुआ, देखो कैसा रो रहा है। यही तो भैया की विनम्रता है, शेर के भी आंसू निकल आते हैं और वो भी इनके पैरों में गिर जाता है। मतलब वो पंचतंत्र की कहानी याद है ना। हाँ। पंचतंत्र की कहानी में वो प्यारी गाय है हमारे प्यारे भैया और वो मुच्छड़ शेर है। मुझसे गलती हो गई, भरपाई कैसे करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं भूल गया था कि गुरु आखिर गुरु ही होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो सत्ता हासिल करने के बाद भी लोगों की भलाई करते हैं। ये सबके बस की बात नहीं। ये लीजिए आपके पैसे और डॉक्यूमेंट्स, संभालिए इन्हें। ये कैसे? मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। चलता हूँ। गजा, तुमने मुझे उस गांव से निकाला तो मैंने यहाँ आकर धंधा खोल लिया, अब तुम यहाँ भी चले आए। अब कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम मेरा पीछा करते हुए नहीं आओगे। इस पूरे देश में मैं कहीं भी आ सकता हूँ। तुम्हारा इस देश से बाहर जाने का कोई इरादा तो नहीं है ना? ठीक है, तो फिर मैं ही यहाँ से चलता हूँ। भैया, किडनैपर ने उन्हें छोड़ दिया, अब कैसे हैं वो? घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थकान महसूस कर रहा था इसलिए एक दो दिन अस्पताल में रखा है। मैं और गजेंद्र घर आ रहे हैं। आप नहीं होते तो क्या होता? बहना, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, सारा कमाल गजेंद्र का है। बॉस, मैंने अपने आदमी चारों तरफ लगा दिया है, उन दोनों को खत्म कर देंगे। एक एक को इतना काटो कि उनके टुकड़े उठाना भी मुश्किल हो जाए। उस परिवार की चीखें मुझे जेल में सुनाई देनी चाहिए। मारो, मार दो, खत्म करो, बचना नहीं चाहिए। अरे बेटा क्या हुआ? पता नहीं, कोई था बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था। खून चाहिए मुझे। जल्दी से हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए जल्दी से। हाथ बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, हाथ बढ़ाइए, दीजिए। अरे
अब तुम सब रोना बंद करो। अरे किसकी मजाल की मेरा बाल तक बांका कर सके। गजेंद्र जैसा बेटा जब मेरे साथ हो, इसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। तुमने सिर्फ इनकी जान नहीं बचाई है बेटा, बल्कि इस गांव को अनाथ होने से बचा लिया है। भैया कुछ बात करनी थी। भैया कल उत्सव का आखिरी दिन है और कल ही नरसिम्हा को फांसी भी लगेगी, फिर इस परिवार पर मंडराता संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। बेटी बेटी मुझे दामाद के रूप में ना भगवान ने बेटा दिया है। बेटा उत्सव समाप्त होने के बाद मैं तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकालूंगा। मुहूर्त का दिन अमित तय करेगा। उत्सव खत्म होने के अगले दिन सुबह 8 बजे हमारा बांका नौजवान गजेंद्र के साथ, अभी जो हमारा सामने दुनिया का इकलौती सुंदर लड़की है यानी सुमित्रा का मुहूर्त का समय अमी खुद से तय किया है। सही कहा जमोई राजा? आपके तेवर तो कुछ बदले हुए से लग रहे हैं। बात क्या है चाचा? हमको याद आ गया कि उस दिन हमको कौन धोया था। उसे अपने तक ही रखना, किसी को नहीं बताएगा। अंकल अंकल आपको क्या याद आया, हमें भी तो बताओ। क्या याद आया तुम्हें? क्या याद आया परम तुझे? अरे बता क्या याद आया। यही कि हमको उत्सव में मौज मस्ती करना है। मैं जरा मुझे दो ना भैया। ए किले किले खेल रहे। क्या ये लाओ, कहां से मिला ये? अंकल के जीप में से मिला। इन हथियारों पर तो खून लगा है सरपंच साहब। ए बेटा गजेंद्र के जीप में ये सब हथियार कैसे? जीप में ये हथियार क्या कर रहे थे? तुमने जो मुझसे वादा किया था वो तोड़ दिया। एक मिनट सुम्मी, खून से सने इन हथियारों से तुम्हारा कोई संबंध है? जी संबंध है। जब सुमी ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैंने तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने तुम्हें यहाँ बुला लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जाति से बड़ी इंसान की सोच और उसके संस्कार होते हैं। और तुमने क्या किया? हम सबको गलत साबित कर दिया है ना। इस गांव में खून खराबा रोकने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है पता है? और तुम उसे दोबारा यहां शुरू करना चाहते हो। इसी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन अब मुझ में अपनी बेटी को खोने की शक्ति नहीं है। नहीं है। हाथ जोड़ता हूं, चले जाओ यहां से, चले जाओ।
चलो यहाँ से जल्दी। समीर अब यहाँ कोई खुशी, कोई त्योहार, कोई उत्सव नहीं, बल्कि मौत का मातम होगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी हो, किसी की परवाह मत करना। जो भी रास्ते में आए, काट डालो उसे। कौन है और हमें यहाँ क्यों लाए? शाबाश, बहुत अच्छे, उस परिवार को बचा लिया तूने। ये मत सोचना कि बाजी तू जीत गया है। उस परिवार को बचाने के चक्कर में तू अपने घर वालों को भूल गया। बोल, बुला, चल बुला। भैया, तेरे भाई को जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ और इसे आकर ले जा। उस परिवार को मेरे हवाले कर दे और अपने भाई को आकर ले जा। हाँ, आ जा। तुम यही रहना, उन सब का ख्याल रखना। भैया हम भी। श्रीनिवास परिवार, भैया चिंतामणि, भैया गजेंद्र भैया को कोई बुरी तरह मार रहा है। अंकल, भैया की जान खतरे में है, कुछ कीजिए। भैया, किसी ने बंद कर दिया, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। चलिए, बता कहाँ छुपा के रखा है तूने उन सबको? भैया, रुक जाओ। नरसिम्हा, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना? गजेंद्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे, उसका इससे क्या संबंध है? क्या संबंध है? इसने तुम्हारे परिवार को बचाने के चक्कर में मेरे कई हुंडे मार दिए। ये रात रात भर पहरे देता था जिससे कोई अंदर घुस ना पाए। नहीं, इसने जेल में आकर मुझसे कहा कि ओडियार परिवार अब इसका परिवार है। इसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को मैं छू तक नहीं पाऊंगा। अब देख लिया, मुझे धमकी देता है। आज भी तुम्हें मुझसे छिपाकर मुझसे बचाना चाहता था। इसके भाई को खून से लाल कर दिया, ये कुछ नहीं बोला। उसे मार दूंगा चिल्ला कर बताया, फिर भी कुछ नहीं बोला। ये इतनी जल्दी नहीं मर सकता तू, चला के खोल। एक एक को तेरी आंखों के सामने खत्म करूंगा, उसके बाद मर जाना। आके खोल। छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं, छोड़ दो प्लीज। काट डालो इन सबको, टुकड़े टुकड़े काट डालो।
इतनी मार खाने के बाद भी इन्हें बचाने के लिए तो फिर से खड़ा हो गया। आखिर इन लोगों के साथ तेरा रिश्ता क्या है? जो प्यार से खिलाए वो माँ है, जो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे वो पिता है, और इस परिवार ने मुझे ये दोनों दिया। मैंने तुझसे उस वक्त भी कहा था और अब भी कहता हूं, ये मेरा परिवार है, अगर तुझ में हिम्मत है तो इन्हें हाथ लगा के दिखा, तू जिंदा नहीं बचेगा। गजेंद्र, आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे परिवार के लिए किया है। तुम चुपचाप मेरे परिवार की हिफाजत करते रहे और हमें पता भी नहीं चलने दिया। जब हम परेशान होते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मुसीबत में मैं लोगों के काम आ सकूं। हमें खुशियां सबके साथ बांटनी चाहिए, पर परेशानी का सामना हमें अकेले करना चाहिए। जो गद्दी पर बैठे वो नायक नहीं, जो दूसरों की परवाह करे वो नायक है। उसका तुम जीता जागता उदाहरण हो बेटा। मेरी बेटी मेरे लिए मेरी दुनिया है, और इसने एक नायक को चुना है, एक महानायक को। भैया अब अकेले नहीं रहे, अब हम सब दुकेले हनीमून पे जा सकते हैं।